दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ये देख लीजिए, वरना यह स्टोरी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली बाबा के घर पर पहुंच जाता है और बाबा को सारी बात बता देता है। बाबा ये सब सुनकर बुल्ली से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी, आज मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलकर बाबा बुल्ली को अपनी बाइक पर बैठाते हैं और वहां से बाइक स्टार्ट करके स्टाइल मारते हुए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मीट और जेफ द किलर गुल्ली को पकाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर मीट जेफ द किलर से बोलता है कि जेफ द किलर जाओ, उस दूसरे आदमी को भी उठा लाओ, नहीं तो वो उठकर वहां से भाग ही जाएगा, और तब तक मैं इस पर नजर रखता हूं और तुम जल्दी से लेकर आना, अगर जरा भी देर हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर जेफ द किलर बोलता है, ठीक है मैं अभी जाकर लाता हूँ, लेकिन तुम इस पर नजर जरूर रखना सही से। और इतना बोलकर जेफ द किलर वहां से चला जाता है सॉन को उठाकर लाने के लिए। जेफ द किलर बहुत ही तेजी से सॉन को उठाकर लाने के लिए जा रहा होता है। और थोड़ी ही देर में जेफ द किलर रोड पर पहुंच जाता है और वो तुरंत सॉन के पास जाता है और सॉन को देखने लगता है, लेकिन तभी जेफ द किलर सॉन को उठाने से रुक क्यों गया। ही जेफ द किलर को ढेर कर दिया। जेफ द किलर दोबारा से उड़ जाता है और वो बाबा पर हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन ये क्या, ये तो स्पीयर का इशारा है। अब लगता है जेफ द किलर का आखिरी वक्त आ चुका है और ये लगा दी दौड़। बाबा ने जेफ द किलर को स्पीयर का इशारा देते हुए उसके ऊपर स्पीयर मार दिया और जेफ द किलर ढेर हो गया। जेफ द किलर का काम तमाम करने के बाद बाबा तुरंत सॉन के पास जाते हैं और सॉन को ठीक करने का लिए अपनी शक्तियों से सॉन को ठीक करने लग जाते हैं। और थोड़ी ही देर में सॉन भी ठीक हो जाता है और वो होश में आ जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है और वो बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मीट जेफ द किलर के इंतजार में परेशान हो रहा है। मिस्टर मीट सोचने लगता है कि आखिर जेफ द किलर अभी तक आया क्यों नहीं, वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है, मैंने तो उसे बोला था जल्दी चलाने के लिए और इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए उसे, मुझे लगता है कि यहाँ वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मिस्टर मीट ये सोचकर गुल्ली को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने लगता है जेफ द किलर की ओर। और थोड़ी ही देर में मिस्टर मीट भी रोड के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी मिस्टर मीट रुक जाता है और उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो देखता ही रह जाता है। मिस्टर मीट देखता है कि वहां पर बाबा आ चुके हैं और जेफ द किलर वहीं पर गिरा पड़ा हुआ है, मरा पड़ा है, और ये देखकर मिस्टर मीट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सॉन पीछे पलटता है तभी सॉन मिस्टर मीट को देख लेता है और फिर वो बाबा से बता देता है मिस्टर मीट के बारे में। बाबा मिस्टर मीट को देखकर मिस्टर मीट के पास के सॉन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और मिस्टर मीट को गुस्से से देखने लगते हैं, और ये सब देखकर मिस्टर मीट को काफी गुस्सा आता और वो दौड़ते हुए बाबा पर हमला करने के लिए आ जाता है। तभी बाबा मिस्टर मीट को एक सुपर पंच दे देते हैं
जिससे मिस्टर मीट दूर जाकर गिरता है, लेकिन मिस्टर मीट अभी मरा नहीं है। मिस्टर मीट को ढेर करने के बाद बाबा बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, और ये देखकर सॉन भी जश्न में शामिल हो जाता है और बुल्ली भी इन लोगों के साथ जश्न में शामिल हो जाता है। लेकिन तभी सॉन बाबा से कहता है कि बाबा वो देखिए मिस्टर मीट उठने की कोशिश कर रहा है और अभी वो उठकर हमें हमला करेगा, और ये देखकर बाबा मिस्टर मीट की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि मिस्टर मीट उठने की कोशिश कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में वो उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो बाबा पर हमला करने के लिए बाबा के पास जाता है। लेकिन बस फिर क्या था, बस वो मिस्टर मीट की पूरी, और इसके बाद बुल्ली बाबा और सोन के पास जाता है और वो बाबा और सोन से कहता है कि बाबा मुझे लगता है कि गुल्ली को मिस्टर मीट और जेफ द किलर ने मिलकर अपने घर में कहीं छुपा रखा होगा, चलिए चलकर उसे भी ले आते हैं। और ये सब सुनकर बाबा बुल्ली से कहते हैं ठीक है बुल्ली, जाओ तुम गुल्ली को अपने साथ लेकर आओ, तुम और सोन तुम दोनों जाकर गुल्ली को अपने साथ ले आओ, और तब तक मैं अपनी बाइक से यहाँ से जाता हूँ और तुम लोग भी पीछे पीछे आते रहना। इसके बाद ये सभी लोग गुल्ली को ले आते हैं और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गुल्ली गुल्ली के और भी एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।